सरकार ने सभी गरीब पात्रों को आवास देने का काम किया है। किए गए विकास कार्यों में सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं। यह बात भाजपा विधायक बैजनाथ रावत ने डूरा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कही। जनपद बाराबंकी के आदर्श नगर पंचायत हैदरगढ़ में सार्वजनिक इंटर कॉलेज में आयोजित प्रधानमंत्री आवास प्रमाण पत्र विकलांगों के लिए ट्राई साइकिल व उपकरण का वितरण डूडा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक बैजनाथ रावत ने किया। बैजनाथ रावत ने कहा कि हमारी सरकार ने जो भी विकास किए हैं सभी को साथ लेकर चलने का काम किया है। ज्यादातर गरीब मुसलमान समुदाय के लोग हैं, उनको ज्यादा प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं। इसके अलावा हर जाति के गरीब पात्र लोगों को पक्की छत देने का कार्य भाजपा सरकार ने किया है। क्षेत्रीय भाजपा विधानसभा बैजनाथ रावत ने आगे बताया कि जनपद के जिलाधिकारी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, निष्पक्ष आवास देने का कार्य अपने माध्यम से किया है। जिलाधिकारी बाराबंकी डॉक्टर आदर्श सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा गरीबी दूरी करने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई हैं जो पात्र लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनको सीधा लाभ मिल रहा है, बीच में कोई भी दखलअंदाजी नहीं कर पा रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हासिल किया है, कन्याओं का विवाह कराया है, चाहे जिस जात की हो चाहे जिस बिरादरी की हो बेटी, सभी को समान भाव से देखा है, कानून का राज चल रहा है। डूडा द्वारा आयोजित प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से मुख्य विकास अधिकारी एकता सिंह, परियोजना अधिकारी सौरभ सिंह, उपजिलाधिकारी शालिनी प्रभाकर, हैदरगढ़ नगर पंचायत के तहसीलदार, कोतवाली प्रभारी अधिशाषी अधिकारी रविंद्र मोहन, विद्यालय के प्रधानाचार्य सुधांशु पांडे, खंड शिक्षा अधिकारी नवाब वर्मा, सभासद हरिराम रावत, रामगोपाल यादव, ओम प्रकाश सिंह चौहान, भाजपा नेता आलोक तिवारी, टैक्स कलेक्टर राजेंद्र यादव, राजेश तिवारी, मनोज यादव, अखिलेश मिश्रा, डॉक्टर मुकुल, स्वास्थ्य अधीक्षक सहित भारी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे। बाराबंकी उत्तर प्रदेश से न्यूज 22 इंडिया के लिए राकेश पाठक की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 22 इंडिया, खबर भी असर भी, और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।